हेलो डियर स्टूडेंट्स माई सेल्फ नवनीत भंडारी एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल क्वांटम अकेडमी ऑफ फिजिक्स ये है लेक्चर नंबर दो और चैप्टर है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास प्लस वन इससे पहले वाले एक लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि एक्चुअल में न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था और आप अब तक क्या गलत पढ़ते आए थे और हमने कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स के बारे में बात की थी इक्विलिब्रियम को समझा था एक्चुअल में तो लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कमेंट बॉक्स के लिए और मोस्टली बच्चों ने अब तक वो आंसर नहीं किया है जब ये सेकंड वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं तो एक बार हम फ्री बॉडी डायग्राम वाले क्वेश्चन को दोबारा से इस लेक्चर में समझेंगे और देन मैं आपको सेकंड लाव का बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा तो बच्चों इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप नोट्स को साथ साथ बना सको अगर आप नहीं बनाओगे साथ साथ देन आप मुझसे नोट्स ले भी सकते हो और अब शुरू करते हैं उस आखिरी क्वेश्चन से वो आखिरी क्वेश्चन कुछ ऐसा था तो आप आइडिया ले लेना कि करना कैसे ठीक है ठीके? यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट से बच्चों दो स्ट्रिंग की मदद से एक ब्लॉक को मैंने हैंग कर रखा है और पूरा सिस्टम इक्म में है राइट इक्विबियम का मतलब आप जानते ही हो कि सम ऑफ नेट फोर्स इज जीरो है ना में मतलब अलोंग एक्स जीरोक्स सब जगह फोर्स बैलेंस हो रहा है और नेट एक्सलेशन जीरो है पूरे सिस्टम में आप ये समझो तो देखो इसको करने का तरीका क्या होता है ठीक है सी मेरा काम है मुझे सभी कंपोनेंट्स को देखना है पहले है ना ये एंगल 30 डिग्री है देखो ये टेंशन टी वन ऐसे एक्ट कर रही है अगर मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो पहले ना इसके कॉम्पोनेंट ड्रॉ करें देखो ये वाला जो ब्लॉक का मास है रूट टू के जी है तो आपको पता है कि रूट टू के जी मास और ये बन जाएगा वेट है ना क्योंकि एम जी कैसे एक्ट कर रहा है नीचे नीचे की की तरफ तरफ एक्ट कर रहा है इसका वेट नीचे की तरफ। और यहाँ पर टी टू अब इस वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ देखो यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं उसको डॉट मान लिया मैंने और नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा है रूट टू जी ठीक है अब देखो अब वर्टिकल फोर्स ढूंढने के लिए आप ये देखो अगर ये एंगल थर्टी डिग्री है तो ये अल्टरनेट एंगल ये कितना होगा कि ये भी थर्टी डिग्री होगा और अगर ये टी वन है तो आपको नहीं लगता कि ये हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट टेंशन टी वन का ये बन जाएगा टी वन कोस थर्टी डिग्री अगर आपने अच्छे से वेक्टर कॉम्पोनेंट की है तो देखो रिजल्टेंट तो ये क्या होगा हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट थर्टी डिग्री रिजल्टेंट अगर ऊपर की तरफ है तो ये थर्टी डिग्री और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा टी वन साइन थर्टी डिग्री मैंने कंपोनेंट्स ले लिए इसके अब देखो तो यहां पर जो मुझे नए कंपोनेंट्स मिले वो कुछ ऐसे मिले देखो ये वाला कॉम्पोनेंट क्या मिला मुझे T1 वन कोस थर्टी डिग्री और जो ऊपर मिला वो मिला T1 वन साइन थर्टी डिग्री ठीक है बच्चों तो ये तो हो गया इसकी कहानी अब देखो ये टी टू ये एंगल सिक्सटी डिग्री है तो बच्चों ये भी क्या होगा सिक्सटी डिग्री होगा और अगर ये सिक्सटी डिग्री है ये टी टू है तो ये क्या होगा हॉरिजॉन्टल के साथ रिजल्टेंट का एंगल बनता है तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेट ये क्या हो जाएगा टी टू कोस सिक्सटी डिग्री और ये वाला क्या हो जाएगा टी टू साइन सिक्सटी डिग्री तो यानी कि इसी के अंदर देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक और एक्ट कर रहा है वो एक्ट कर रहा है टी टू कोस सिक्सटी डिग्री और ऊपर की तरफ क्या एक्ट कर रहा है टू साइन सिक्सटी डिग्री ये मैंने सारे फोर्सेस यहां पर बना लिए सारे कंपोनेंट्स यहां पर बना लिए अब आप बच्चों ये देख पा रहे हो कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वर्टिकल फोर्स को बैलेंस कर रहे होंगे तभी तो ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहे देखो ये रेस्ट पर कब रह सकता है जब ये इसको बैलेंस कर दे और ये ऊपर वाले दोनों फोर्सेज इसको बैलेंस कर दे तो आपने यही बोलना है देखो यहां पर इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन T1 वन साइन थर्टी जो कि ऊपर की, की तरफ एक्ट कर रहा है प्लस T2 टू साइन सिक्सटी शुड बी बैलेंस बाय रूट टू इन टू में जी को हम टेन ले लेते हैं यहां पर है ना तो टेन रूट टू ठीक है ये मैंने पहली इक्वेशन बना दी वर्टिकल फोर्स को बैलेंस कर दिया अब हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो जरा ये पहली इक्वेशन नाम दे देता तो हूं मैं इसको अब देखो दूसरी इक्वेशन क्या होगी टी वन कोज थर्टी डिग्री शुड बी बैलेंस बाय टी टू कोस सिक्सटी डिग्री अब यहाँ से देखो टी वन बाई टी टू में एक रिलेशन आ जाएगा यानी कि कॉस सिक्सटी डिग्री या पॉन में कॉस थर्टी डिग्री और इस रिलेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो कॉस सिक्सटी क्या होता है वन बाई टू और कॉस थर्टी क्या होता है रूट थ्री और टू ऊपर चला गया यानी कि टी वन इक्वल्स टू टी टू बाय रूट थ्री एक ये रिलेशन आ गया मेरे पास इसको आप इक्वेशन थर्ड बोल दो इसको इक्वेशन टू बोल दो क्लियर है अगर आपको T1 वन इन टर्म्स ऑफ टी पता है बच्चों तो यहां पर पुट कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन में मैं देखता हूं कि क्या बोर्ड पर विजिबल है सब कुछ ये ओके गुड देखो अब तो यहां से मैंने रिलेशन निकाल दिया एक कि जो T1 है वो T2 टू बा है राइट right? अब देखो इस इक्वेशन में जहां पर T1 है वहां पर मैं ये पुट करना स्टार्ट कर रहा हूं देखो यहां पर टी वन साइन है तो मैं क्या लिख रहा हूं टी टू बाय रूट थ्री साइन थर्टी डिग्री फिर है प्लस टी टू यहां पर है साइन सिक्सटी तो साइन सिक्सटी डिग्री इक्वल्स टू टेन रूट टू ठीक है बच्चों अब देखो टी टू बाय रूट थ्री साइन थर्टी कितना होता है वन बाय टू प्लस टी टू साइन सिक्सटी कितना होता है साइन सिक्सटी कितना होता है रूट थ्री बाय टू राइट इक्वल्स टू टेन रूट टू अब यहाँ से टू उधर चला जाएगा राइट अगर टू उधर चला गया तो क्या बचेगा यहाँ पर टी टू बाय रूट थ्री प्लस टी टू रूट थ्री में वन इक्वल्स टू ट्वेंटी रूट टू अगर मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ पर ही आ जाएगा टी टू प्लस थ्री टी में रूट थ्री इक्वल्स टू ट्वेंटी रूट टू अब इसको सोल्व करना तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ टी टू प्लस थ्री टी इक्वल्स टू ट्वेंटी रूट सिक्स ये हो जाएगा आपके पास जब सोल्व करोगे इट विल बी फोर टी टू इक्वल्स टू ट्वेंटी रूट सिक्स यानी कि टी टू की वैल्यू क्या आएगी बच्चों फाइव रूट सिक्स मैं आंसर को वेरीफाई कर लेता हूँ हाँ बिल्कुल ठीक है तो टी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइव रूट सिक्स न्यूटन ठीक है मैं देखता हूँ बोर्ड पे विजिबल है सब कुछ हाँ बिल्कुल विजिबल है ठीक है सिर्फ आपने देखो ये इक्वेशन निकाल कर इसमें पुट करना है और ये सोल्व करना है इसे है ना इक्वेशन सा खेल रहेगा सारा अगर टी टू फाइव रूट सिक्स है तो टी वन कितना होगा फाइव रूट सिक्स अपोन में रूट थ्री यानी कि ये होगा फाइव रूट टू न्यूटन क्लियर तो इस तरह से इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो आएगा टी वन इक्वल्स टू फाइव रूट टू और टी टू कितना आएगा आपके पास फाइव रूट सिक्स दिस इज योर फाइनल आंसर सारा खेल किसका है बैलेंसिंग का ठीक है मैंने सिर्फ बैलेंस किया और कुछ भी नया नहीं किया वेक्टर्स में अच्छे से आपको सिखाया था इसलिए बोल रहा था कि वेक्टर्स में कॉम्पोनेट्स को अच्छे से समझ लो इसको जल्दी से छापो और फिर हम करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ हम बात करेंगे सेकेंड लॉ की सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन की लेकिन उससे पहले आपको एक टर्म पता होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम मोमेंटम आपने इससे पहले सुना होगा नाइन्थ क्लास में भी बट आज हम इस लेक्चर का पार्ट है तो उसको थोड़ा सा जानेंगे डिटेल में थोड़ा ठीक है तो देखो मोमेंटम हम ऐसा बोल सकते हैं अच्छा मोमेंटम देखो कब कब हम यूज़ करते हैं जैसे कि मान लो एक फुटबॉल है अभी वो ग्राउंड पर पड़ी है और सामने मान लो गोल पोस्ट है ठीक है अगर मैंने फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल जाएगी यहाँ पर गोल में तो मैं बोलूंगा किस बोल ने मोमेंटम गेन कर लिया एक्चुअली में मोमेंटम वर्ड आपको कहीं ना कहीं ये बताता है कि बॉडी के पास मोशन है अगर मोमेंटम है तो यानी कि बॉडी कहीं ना कहीं मूव कर रही है मोशन नहीं है तो बोलूंगा मोमेंटम नहीं है है ना आप बोलते ना कि जैसे कि क्रिकेट मैच देखते हैं कि लास्ट की इनिंग में मोमेंटम गेन किया मतलब कि स्पीड गेन करी मतलब कि वो जो इनिंग्स है वहाँ पर अब चौके छक्के से बात हो रही है और ज़्यादा स्कोर बनने लग गया है क्रिकेट की अगर कॉमेंट्री आपने सुनी तो मोमेंटम वर्ड जनरली डिनोट करता है कि कोई बॉडी के पास कितना ज़्यादा मोशन है राइट right. तो इसकी अगर मैं जनरलाइज बात करूं तो ये क्या है क्वांटिटी ऑफ मोशन मुझे बताएगा किसी भी बॉडी का कि कितना ज्यादा मोशन उसके पास है और जनरल बात करूं बिल्कुल जो आपको बुक्स में डेफिनेशन मिलती है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है क्लियर है ये क्या है इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी और जनरली मोमेंटम को हम स्मॉल पी से डिनोट करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होगा मास इन वेलोसिटी हाँ यहां पर यह समझ आ रहा है कि यहां पर मास एक स्केलर टर्म है स्केलर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से स्केलर इनटू वेक्टर ये जो मोमेंटम है ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बन जाता है आपके पास और मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी अलोंग आई कैप है या अलोंग एक्स एक्सिस है तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी कह ली जाएगी एक्स एक्सिस

अब मैं ये आपको क्यों पढ़ा रहा हूं क्यों बता रहा हूं क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा अभी न्यूटन सेकंड लॉ में अच्छा लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होगा अगर मैं यहां पर लीनियर लगा दूँ लीनियर मोमेंटम का मतलब यह कि बॉडी का मोशन क्या है लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है कि जैसे कि एक बॉल है ये रोल करके सामने चली गई अगर बॉल ऐसे उठ कर गई सामने तो ये मोशन इन प्लेन हो जाएगा मैं लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ अभी इस पर भी आएंगे हम टू में भी लीनियर का मतलब है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है फिलहाल बस लीनियर लीनियर मोशन है देखो अगर मैं अच्छा इसको मैं फिलहाल रख कर रहा हूँ मुझे इसकी बस जरूरत नहीं मुझे समझाना था ये फिलहाल मैं सेकंड लॉ को लिख रहा हूँ तो इसको अगर आप चाहो तो नोट डाउन कर लो अदरवाइज नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आप क्वांटम अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पर लेक्चर वाइज मैं सारे नोट्स डाल दूंगा अगर आप मेरे अकेडमी का पार्ट नहीं हो अगर आप यूट्यूब के थ्रू ही मुझे जानते हो तो आप प्ले स्टोर से क्वांटम अकेडमी की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करो और वहां पर मैं इसकी पीडीएफ्स लेक्चर वाइज अपलोड करने स्टार्ट कर दूँ वहां से आप डाउनलोड करके नोट डाउन भी कर सकते हो लेक्चर को समझने में ज्यादा ध्यान दो अपने को कंसेप्ट समझने में तो फिर हम बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की सेकेंड ऑफ मोशन भी बोल देते हैं इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट सेकेंड है उससे ज्यादा

एक वेलोसिटी का चेंज देखने को मिलेगा अगर आपको नहीं यकीन आता तो आप एक काम करो फुटबॉल वाला एग्जाम्पल दोबारा से लो फुटबॉल वाले को आप अगर हल्का सा किक करते हो इनिशियली इट वॉज एट रेस्ट रेस्ट पर थी तो मोमेंटम जीरो था जैसे ही आपने इसको किक किया किक का मतलब क्या कि आपने इसको किया पुल किया आपने पुल नहीं उसको आपने पुश किया सॉरी पुश किया आपने और पुश करके आपने क्या किया उस पर फोर्स लगाया तो क्या उस बॉल के अंदर कहीं ना कहीं मोशन आ गया तो कहीं ना कहीं एक बॉडी के अंदर मोमेंटम आने के पीछे या मोमेंटम चेंज होने के पीछे सिर्फ एक चीज रिस्पॉन्सिबल हो सकती है वो है फोर्स अब देखो स्टेटमेंट पे जाते हैं पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या गलती कर सकते हैं और क्या चीज इसमें मिसिंग है प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू दिस ला रेट ऑफ चेंज ऑफ यहां पर देखो पहली बात रेट ऑफ चेंज लिख रहा हूं मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी यानी कि अगर बॉडी पर फोर्स लगेगा तो उसका मोमेंटम चेंज डेफिनेटली होगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब इसके अंदर एक मिस्टेक है जो एक वर्ड मिसिंग है जो आना चाहिए अब आप वो दिमाग लगाओ कि वर्ड क्या है ठीक है तो देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं अगर एक फुटबॉल है यहां पर इसके ऊपर ऊपर से दस न्यूटन फोर्स लग जाए नीचे से दस न्यूटन फोर्स लग जाए यहां से भी दस न्यूटन फोर्स लग जाए और यहां से भी सामने से भी दस न्यूटन फोर्स लग जाए तो क्या इसका मोमेंटम चेंज होगा तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इस पर नेट फोर्स तो जीरो है तो इसलिए मुझे ना यहां पर यह लिखने की बजाय कि फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इच अदर मुझे यह वर्ड लिखना चाहिए कि, कि किसी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनर मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी हो सकता है जब बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगे तो ये वर्ड लिख लेना पर सुंदर सुंदर अनबैलेंस फोर्स होगा तभी वो एक्सलरेशन को प्रोड्यूस कर सकता है अदरवाइज नहीं करेगा अब इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी यानी कि चेंज इन मोमेंटम विद द टाइम इसको मैं ये भी लिख सकता हूं पी एफ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम ऐसा भी बोल सकता हूं मैं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विद द टाइम क्योंकि अगर बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है वेलोसिटी को चेंज होने में कुछ तो टाइम लगेगा जैसे कि अगर मैं बोलूं आपको कि यहां पर एक बॉल है उसको आपने फोर्स लगाया तो इसकी बॉल की वेलोसिटी अगर इनिशियली जीरो थी तो उसको कुछ वी वेलोसिटी गेन करने में मतलब कुछ वी वेलोसिटी गेन करने में वी मान लो हंड्रेड मीटर पर सेकेंड है यार कुछ तो टाइम लगेगा ना सडनली एकदम उसी इंस्टेंट तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती तो इसलिए आपने पर क्या वर्ड यूज करना है रेट ऑफ चेंज ये नहीं कि चेंज इन मोमेंटम नहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोवेंटम इसको मैं अगर खोल कर लिखू तो ये हो जाएगा किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी तो इनिशियल मोमेंटम एम यू फाइनल मोमेंटम एम वी तो एम वी माइनस एम यू अपन मेटी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर मैंने कांस्टेंट जोड़ दिया यहाँ पर और कांस्टेंट को जनरली हम क्या लेते हैं यूनिटी क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है यहां पर राइट अब फॉर्मुला क्या बन जाएगा आपके पास मासिज कॉन्स्टेंट फुटबॉल को लात मारोगे तो दस के जी से पांच के जी की तो हो नहीं जाएगी या पांच से दस के जी की तो हो नहीं जाएगी तो इसलिए यहाँ पर मास को हम कॉन्स्टेंट कंसिडर कर रहे हैं मास को कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा वी माइनस यू अपॉनमेटी और आपको पता है कि वी माइनस यू अपॉनमेटी कहीं ना कहीं एक्सलरेशन के इक्वल है तो आपके पास जो कुल मिलाकर फॉर्मूला बनता है जिसको आप पढ़ते भी आए हो वो बनता है ये एफ इज इक्वल टू एम ए और ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं होता मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब मास कांस्टेंट हो क्योंकि यह फॉर्मूला कई जगह फेल होगा मैं आपको वो भी बताऊंगा क्योंकि जनरली बुक्स में नहीं बताता इस बात को लेकिन यह फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कुछ जगह पर फेल होगा वेरिएबल मास के केस में यह फॉर्मूला फेल हो जाएगा वेरिएबल मास का कंसेप्ट अच्छे से डिटेल में बताऊंगा आपको अब आपको यह चीज समझनी है कि फोर्स है तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होगी फोर्स यूनिट होती है बच्चों न्यूटन जिसने ये सभी लाज बनाए राइट तो फोर्स को जो डिनोट करते हैं टेन न्यूटन फिफ्टीन न्यूटन हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है इसकी भी है न्यूटन अगर इसकी सी यूनिट की बात करूँ तो वो होती है डाइन और आपको पता है कि एक न्यूटन में टेन डेज टू पावर फाइव डाइन होते हैं यह हमने कभी यूनिट एंड डायमेंशन में प्रूव भी किया था तो फिलहाल के तौर पे इस बेसिक चीज को उतारो क्योंकि इस पर मैंने अभी बहुत ज्यादा डिटेल में बात करनी है इसको नोट डाउन कर लो अगर आप चाहो तो अदरवाइज वीडियो को पॉज करो जस्ट एक बार दोबारा से इसको देखो और लेक्चर के नोट्स आपको मैं दे दूंगा बच्चों क्वेश्चन अराइजीज कि भाई एफिजिकल टू एम ए अगर हर जगह वैलिड नहीं है तो हर जगह वैलिड क्या है और अगर मास कांस्टेंट है तो एम ए वैलिड है है ना अभी मैंने आपको बताया कि एफिजिकल टू एम ए की वैलिडिटी तब तक है जब तक मास कांस्टेंट है क्या मास वेरी भी हो सकता है थिंक अबाउट द सिचुएशन कि यार मास तो हमने यही पढ़ा कि कॉन्स्टेंट होता है मास वेरी कैसे कर सकते हैं तो सिचुएशन कई तरह की हो सकती है देखो मास वेरिएबल कब कब हो सकते हैं मैं कई सारी प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल देता हूँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन कि कोई ट्रक है और ये ट्रक के अंदर बहुत सारा मान लो वाटर भरा हुआ है टैंकर है ये एक ठीक है, एक है ये एक टैंकर है या पेट्रोल है कुछ भी मान लो आप सपोज ये गाड़ी सामने की तरफ वी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है 50 मीटर पर सेकेंड और यहां पर मान लो एक टाइनी होल था जिससे कॉन्टिन्यूसली जो वोटर है या जो पेट्रोल है वो ग्राउंड पर गिरता जा रहा है अब कुछ ऐसा होगा कि जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी तो इसके अंदर से ये वोटर लेवल डाउन आता रहेगा क्या मैं बोल सकता हूं इस केस में मास ऑफ होल सिस्टम इज चेंजिंग विद टाइम कि पूरे सिस्टम का मास चेंज होगा टाइम के साथ साथ अगर आप स्टोप वॉच ऑन करो मान लो एक सेकंड पर एक सेकंड हुआ तो मास था आ, वन थाउजेंड के जी दो सेकेंड के बाद नाइन नाइन्टी के जी तीन सेकेंड के बाद नाइन सेवेंटी के जी चार सेकेंड के बाद नाइन फिफ्टी के जी पाँच सेकेंड के बाद नाइन सिक्सटी के जी तो ये एक एग्जाम्पल हुआ कि मास टाइम के साथ वेरी कर रहा है यहां पर जबकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पर मास चेंज हो रहा है और मान लो अगर ये एक्सेलरेट कर भी कर रहा हो मान लो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो दस मीटर पर सेकेंड फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड सिक्सटीन मीटर पर सेकेंड ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और मास भी चेंज हो रहा है तो यहाँ पर अगर आप एफिकल टू एम ए लगाओगे तो वो आपका तरीका गलत होगा ठीक है ये एक एग्जाम्पल था वेरिएबल मास का अच्छा एक एग्जाम्पल और भी समझ सकते हैं हम जैसे अगर हम किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो आपको पता है कि कॉन्टिन्यूसली रॉकेट में जो फ्यूल है वो फ्यूल बर्न होगा जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर जाएगा और एक ऐसी स्टेज भी आती है जब इसके रॉकेट्स के जो पार्ट है वो अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं ना लेकिन अभी उस सिचुएशन को दो मिनट के लिए इग्नोर करो लेकिन ये तो आपको पता है प्रैक्टिकली कि फ्यूल बर्न होगा जिससे एनर्जी रिलीज होगी आपको नजर आ रहा है कि उसकी वजह से फ्यूल बर्न होने की वजह से इसको एक क्या मिल रहा है एक ऊपर की तरफ ये जा पा रहा है ना ये को कंटिन्यूसली नीचे की तरफ पुश कर रहा है तो यहाँ पर भी मास वेरी करता है इस सिचुएशन में भी मास वेरी कर रहा है क्योंकि रॉकेट का जो मास है कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो मेरा मेन मोटिव क्या था आपको यह बताना कि मास कहाँ कहाँ चेंज होता है तो ये दो एग्जांपल थे इसको चाहो तो लिख लो वरना नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है अब एक और सिचुएशन है जहां पर मास चेंज होता है जो जनरली आप एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ोगे या कई बार आपको बुक्स में आ, कई गिवन होगा छोटे से बॉक्सिस में नीचे और आपको कंफ्यूजन होगी ये या यार ये है क्या चीज तो एक कंसेप्ट और है वेरिएबल मास का जो हमको देखने को मिलता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में फेमस इक्वेशन जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी ठीक है और सबको यह लगता है कि इज इक्वल टू एमसी को इक्वेशन पर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला जबकि वो बात बिल्कुल गलत है ये वो इक्वेशन थी हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जहां तक मेरा ज्ञान गलत नहीं है तो इस इक्वेशन पर नोबेल प्राइज मिला था अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैं सिर्फ मोटी मोटी बात लिख रहा हूं इफ अ बॉडी मूव्स एट वेरी हाई स्पीड या इट मूव इज वेरी हाई वेलोसिटी इट्स मास चेंजेस इसका मास चेंज होगा देखो मैं आपको प्रैक्टिकल सी एक बात बता रहा हूं जैसे कि अगर मैं बोलूं, इक्वेशन क्या थी M इज इक्वल टू एम नोट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अब यहां पर यह बात समझो कि जो एम है इसका मतलब है एक्चुअल मास एक्चुअल मास ऑफ बॉडी एम नोट का मतलब है मास रेस्ट या रेस्ट मास भी बोल देते हैं वी का मतलब क्या है इस वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी और इस सी स्क्वेयर को हमने यूज करा है स्पीड ऑफ लाइट के लिए ठीक है अब जो चीज आपको समझनी है बच्चों वो ये है कि ये कंसेप्ट एक्चुअल में है क्या देखो मैं अगर आपको बोलूं कि एक 10 के जी की बॉडी है जब तक वो रेस्ट पर है तो मैं बोलूंगा कि जो एमलोट है वो क्या 10 के जी रेस्ट मास है लेकिन अगर ये 10 के जी की बॉडी सपोज ये 10 के जी की बॉडी अगर स्पीड ऑफ लाइट से हाफ पर मूव करने लग जाए जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है थ्री इंटू टेन पावर एट मीटर पर सेकेंड मैं आपको बोल रहा हूं कि मान लो ये सी बाई टू वेलोस्टी से मूव करने लग जाए तो देखो इसका जो मास होगा वो कैसे निकाल लूंगा मैं एम एम नोट वन माइनस वी स्क्र की जगह क्या आ जाएगा सी स्क्र अपन में फोर सी बाई टू पुट करना है ना मुझे वी को वी को अगर मैं सी बाय देखो वी को मैं सी बाई टू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा नीचे क्या सी स्क्र चल है तो सोल्व करके क्या आएगा देखो एम नोट अपॉन में अंडर रूट वन माइनस वन बाय फोर एम नोट इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो three, सोल कर ये आ जाएगा रूट थ्री ऊपर रूट फोर सोल्व करके देखना यही आएगा तो बेटा जो एम आया वो कितना आया एम नोट इन टू में टू बाय रूट थ्री रूट थ्री को सोल्व करके लिख दूंगा वन पॉइंट सेवन थ्री तो ये फैक्टर देखो ग्रेटर देन वन आ रहे इससे अपने को ये पता लगता है कोई भी चीज अगर बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करेगी तो उसके मास में स्लाइटली चेंज आएगा उसका मास स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा देखो ये तो रेस्ट मास है टेन के जी टेन इंटू में टू बा थ्री यानी कि बॉडी का जो एक्चुअल मास है वो रेस्ट मास से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है अगर बॉडी बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एक ये भी कंसेप्ट है जहां पर आप वेरिएबल मास को पढ़ते हो मैं इसलिए डेप्थ में जा रहा हूं कल को आपको कोई अगर इक्वेशन दिखे ये वाली तो आपको इसका एक्चुअल मीनिंग पता हो ठीक है दिस इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है ये जनरल सी बातें जो मैं पढ़ रहा हूं ये मैं जनरली या तो एस्ट्रोफिजिक्स में बात करूंगा ठीक है एस्ट्रोफिजिक्स में इन चीज़ों को ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई हाँ कोई बॉडी है क्योंकि वहां पर हम जो स्पीड ऑफ फ्लाइट के नियर बाय जो वेलोसिटीज है उनको हम स्टडी करेंगे डिटेल में क्लियर है तो अब ह्यूमन लाइफ में हम क्या वेलोसिटीज देखते हैं मतलब 100 मीटर पर सेकंड तक देख लेंगे 750 मीटर पर सेकंड तक देख लेंगे 10 मीटर पर सेकंड तक देख लेंगे जनरली इस ऑर्डर की वेलोसिटीज देखते हो है ना और जो कि स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है अगर मैं कंपेयर करूं तो ये फैक्टर बहुत नेगलिजिबल हो जाएगा जैसे कि अगर मान लो अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ अगर मैं मान लो दस मीटर पर सेकेंड से मूव करने भी लग जाऊँ तो मेरे मास में क्या चेंज आ सकता है शायद हो सकता है अगर टेन के का था मेरा रेस्ट मास तो जो एक्चुअल मास है वो इतना आ जाए टेन बहुत सारी जीरो लगा दो और शायद यहाँ पर टू के जी शायद इतना चेंज आ जाए इतना चेंज आ जाए तो इसलिए ये कंसेप्ट को हम जनरली तब उठाएंगे जब कोई ऑब्जेक्ट नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ फ्लाइट या स्पीड ऑफ फ्लाइट के आसपास है ना इतनी वेलोसिटी से मूव करे ठीक है तो अपने को पता होना चाहिए कि रिलेटिविटी की थ्योरी क्या थी ठीक है वेरिएबल को, को लेकर थी इसको फिलहाल मैं रब कर रहा हूँ अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है बट येट अपने को पता होना चाहिए सही बात। अब हम न्यूटन पर ही दुबारा आ रहे हैं। ये सारा कुछ पर मैं आ तो देखो, को अब थोड़ा सा और डिटेल में जानते अगर मास वेरिएबल हो तो क्या होगा देखो ये चीज बिल्कुल ट्रू है कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है ये बात बिल्कुल ठीक है इफ मास एंड वेलोसिटी बोथ आर वेरिएबल अगर दोनों के दोनों वेरिएबल हो तो देखो मैं इसको ले आऊंगा डिफरेंशियल फॉर्म में तो मैं लिखूंगा एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डीटी तो गलत तो कुछ भी नहीं होगा इसको मैं क्या बोलूंगा इसको ये बोल दूंगा ना मैं स्मॉल चेंज इन मोमेंटम

तो बच्चों ये एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर डी बाई डी और साथ में क्या आ जाएगा एम अब आप ना वो रूल याद करो जो आपको मैंने बताया था कि वाई इज इक्वल टू यू वी और आपने डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और यू और v दोनों के दोनों वेरिएबल है तो आपको ये फॉर्मूला कराया था मैंने डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू कॉन्स्टेंट डी वी बाई डी एक्स प्लस वी कॉन्स्टेंट डी यू बाई डी एक्स ये चीज मैंने आपको बताई थी और करवाई भी थी अब यहां पर देखो मास भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल है तो आपको नहीं लगता कि यहां पर ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा देखो मास कांस्टेंट डी वी बाई डी टी और उसके बाद फिर वी कांस्टेंट डी एम बाई डी टी दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ राइट दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ तो मुझे इसको ऐसे लिख देना चाहिए है, है ना अगर मान लो एग्जाम्पल याद करो जरा एक्सक्वायर प्लस टू है यहां पर x प्लस वन है तो आप यही करते थे ना एक्सक्वा टू इसको करा कॉन्स्टेंट फिर इसका डिफरेंशिएशन फिर अगले स्टेप में इसको फिक्स करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये जो है ये हर जगह वैलिड है अब देखो वैलिड कैसे है ठीक है अगर मान लो मैं आपको बोलू किसी बॉडी का मास कॉन्स्टेंट है तो यानी कि मास इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम तो उस अगर मास कॉन्स्टेंट होगा तो देखो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये पूरा फैक्टर जीरो, जीरो तो 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 मान लो मास और दोनों के दोनों ही चेंज हो रहे तो, तो ये पूरा फॉर्मूला लगेगा अगर आपको ये बोल दे जाएगी इनकेस अगर आपको ये बोल देखो ये तो क्या मास कॉन्स्टेंट मास कॉन्स्टेंट हो तो ये फैक्टर जीरो और आपको ये मिल जाएगा अगर मैं बोलू कि वेलोसिटी है बट मास चेंज हो रहा है विद द टाइम तो उस केस में ये फैक्टर खत्म और फॉर्मूला क्या मिल जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ v डॉट या v इंटू डॉट नहीं लगाना चाहिए v राइट right? तो ये भी अपने को पता होना चाहिए इनकेस वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है मास चेंज होगा तो यह इनकेस मास फिक्स है और वेलोस चेंज हो रही है तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड लाई आपने कभी नहीं पढ़ी होगी पहले इसलिए इसको नोट डाउन कर लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहो तो नोट डाउन कर लो अदरवाइज सब कुछ नोट्स में मिल जाएगा आपको ठीक है लेक्चर में डर टाइम नहीं खराब करते आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि भाई मुझे वेरिएबल मास के, के केस में क्या यूज़ करना है ये ये परफेक्ट फॉर्मूला है बिल्कुल इसे क्योंकि मैं उस सिचुएशन को भी समझा सकता हूँ जो मैंने पहले बताई थी तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ रहा होगा बच्चों इन केस यू आर जस्ट फील यू 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 आर फ्री जस्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर इन कमेंट बॉक्स आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन uh, पुट कर सकते हो देन हम वहाँ पर भी डिस्कशन कर सकते हैं ताकि चार लोग और भी देखें उस चीज़ को और आपकी बात को आपकी बात से किसी और को फ़ायदा भी हो जाए ठीक है तो ऐप का अगेन मैं बोलूँगा कि ऐप डाउनलोड कर लो बच्चों चाहे आप अकेडमी का पार्ट हो या नहीं हो ऐटलीस्ट आपको इस यूट्यूब लेक्चर के नोट्स में प्रोवाइड कर दूँगा आप घर बैठ भी अपनी पढ़ाई का नुकसान होने से बचा सकते हो देखो अब एक चीज और है अगर मुझे थ्री में लिखना हो तो थ्री में फोर्स को क्या लिख सकता हूं एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप तो क्या इसका मतलब ये होगा डी बाई डी टी पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड हाँ यह डायरेक्शन लगा दो आई कैप जे कैप और के कैप क्या ये बात लिखी जा सकती है तो यह बात भी लिखी जा सकती है यानी कि डी पी एक्स आई कैप बाई डी टी इसको रिलेट किससे कर दोगे आप एफ एक्स आई कैप से यानी कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम चेंज होगा उसके लिए यही यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा जो अलोंग एक्स एक्सिस लग रहा है सिमिलरली एफ वाई जे कैप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो मोमेंटम चेंज अलोंग वाई एक्सिस हो रहा है बच्चों सिमिलरली एफ जेड के कैप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो मोमेंटम चेंज हो रहा है जेड एक्सिस के अलोंग राइट right? तो इस तरह से भी मैं इक्वेशन को लिख सकता हूँ ये मैंने बना दी आपको एक थ्री में मतलब कॉम्पोनेंट फॉर्म में आपको इक्वेशन बना कर दे दी मैं अच्छा यहाँ वैक्टर लगा लेना चाहिए ना मुझे ठीक है चौथा पैसे तो भी लिख सकता था इसको ठीक है डायरेक्शन मैंने मेंशन कर ही दिया है यहाँ पर अब देखो एक चीज़ जो और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसको एक बार नोट डाउन कर लो साथ साथ अब एक चीज़ और बता रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है हाँ, एरोस का ध्यान रखना थोड़ा सा यार इसको मैं ये भी लिख सकता था एम ए एक्स वैक्टर आई कैप इसको ये भी लिख सकता था मैं एम ए वाई वैक्टर जे कैप इसको लिख सकता था एम ए जेड वैक्टर कैप ठीक है तो ये बातें ऐसे भी लिखी जा सकती है इनका मैं अभी आपको फंक्शनिंग और सब कुछ समझाऊंगा इसको नोट डाउन करो फिर कुछ क्वेश्चन हम क्रैक करते हैं तो बच्चों एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है अगर एक बॉडी का मास M है एंड इट मूव्स अलोंग पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट एट एनी इंस्टेंट इज दिस एक्स इज इक्वल टू एटी फोर माइनस बी टी क्यूब प्लस सी टी तो अपने को गिवन ये है मोटी मोटी बात कि एक्स की वैल्यू है एटी फोर माइनस बी टी क्यूब प्लस सी टी यानी कि जो पोजीशन है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है ना टाइम वन सेकंड पर कुछ हो रहा है टाइम टू सेकेंड पर कुछ हो रहा है और आपको ऐसा बोला गया कि बताओ कि फोर्स कितना एक्ट हो रहा है तो बेटा फोर्स निकालने के लिए अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए होता है मास कॉन्स्टेंट है क्योंकि यहाँ पर है ना क्योंकि मास तो टाइम पर कोई डिपेंड कर नहीं रहा तो आपको चाहिए एफ एफ इजिकल टू एम में अब एक्स ए तक पहुँचना है तो आपको मैंने अच्छे से बताया था कि अगर एक्स ए में पहुंचना है तो आपको यूज़ करना होगा डिफ्रेंशिएशन तो पहले तो आप निकाल लो वेलोसिटी तो डी एक्स बाई डी टी करूँ इसको मैं तो क्या आएगा फोर ए टी क्यूब माइनस थ्री बी टी स्क्वायेर प्लस सी आई होप कि आपको ये स्टेप समझ आया होगा 84 का डिफरेंशिएशन 480 ए क्यूब माइनस बी टी क्यूब थ्री बी टी अगर आपको डिफरेंशिएशन को रिकॉल करना है तो मैथमेटिकल टूल्स के नाम से मेरी प्लेलिस्ट लिस्ट यहाँ पर है इस चैनल पर उसको अच्छे से देखो बच्चों और प्लेलिस्ट को शेयर भी करो यार अपने रिलेटिव अपने फ्रेंड्स को बताओ इस बारे में कि आग, आप अगर चाहो तो फिजिक्स के आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के लेक्चर्स मिल सकते हैं ठीक है तो चैनल का ग्रोथ होगा तो आपको इसमें बहुत फायदा होगा बच्चों क्योंकि मैं भी आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे फिर और डिसीजन ले पाऊँगा ऐप के थ्रू आप सबको कनेक्ट कर पाऊँगा अब देखो अब एक्सेलरेशन निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा डी वी बाई डी टी अब वेलोसिटी आपको पता है, है ना तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार और फोर ए टी क्यूब माइनस थ्री बी टी स्क्वेयर प्लस सी इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा ट्वेल्व ए टी स्क्वेयर माइनस सिक्स बी टी प्लस जीरो तो यानी कि जो एक्सेलेशन आई बच्चों एक्सेलरेशन आपके पास आई ट्वेल्व ए टी स्क्वेर माइनस सिक्स बी टी और इसको अपने मल्टीप्लाई किससे कर देना है मास से तो इस तरह से आपको नेट फोर्स पता लग जाएगा जो कि ये होगा ठीक है इतना ही आपने करना था इससे आगे आपसे बात पूछी नहीं गई है तो यहीं पे इसको छोड़ सकते हो तो, सिंपल सा क्वेश्चन था जस्ट वार्म अप क्वेश्चन ताकि हम थोड़े और अच्छे क्वेश्चन को क्रैक कर सके इसको नोट डाउन कर लो तो बच्चों एक क्वेश्चन और है ये थोड़ा सा उससे बेटर क्वेश्चन है बट फिर भी मैं इसको सिंपल क्वेश्चन ही बोलूंगा क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बुलेट है जिसका मास है जीरो पॉइंट तो मैं लिख रहा हूं यहां पर मास ऑफ बुलेट 0.04 पॉइंट जीरो फोर एंड इज मूविंग विद स्पीड 90 मीटर पर सेकंड तो इनिशियल वेलोसिटीज की दे दी 90 मीटर पर सेकंड ठीक है इट एंटर्स इनटू वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप आफ्टर कवरिंग 60 सेंटीमीटर तो मान लो ये वुडन ब्लॉक है बच्चों इसके 60 सेंटीमीटर अंदर जाकर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो गई यानी कि जब ये टकराई थी तो यू की वैल्यू कितनी थी 90 मीटर पर सेकंड है ना और इस तरह से जब जैसे अंदर गई और 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रुक गई आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन ने ब्लॉक ने कितना रजिस्टिव फोर्स इस पर एग्जर्ट किया होगा तो डेफिनेटली अगर बुलेट किसी ब्लॉक के को जाकर हिट कर रही है तो ब्लॉक उसको रोकेगा, रोकेगा 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 लेकिन 60 सेंटीमीटर दूर जाकर ये बुलेट होगी तो आपको ये फोर्स निकालना है तो देखो फोर्स तक पहुंचने का तो एक ही रास्ता है मास इन टू एक्सलेशन क्योंकि इस दौरान मास कॉन्स्टेंट है है ना मास तो चेंज नहीं हुआ ना बुलेट का तो आपको ए निकालना है ए तक कैसे पहुंच सकते हो देखो यू आपको पता है वी पता है एस पता है ए निकल सकता है एक इक्वेशन है अपने पास वी स्क्र माइनस यू स्कोर इक्वल्स टू टू एस वी की वैल्यू आपको पता है जीरो का स्क्वायर माइनस यू की वैल्यू कितनी है नाइनटी का स्क्वायर इक्वल्स टू टू इंटू में एक्सेलरेशन निकालनी है और एस की वैल्यू कितनी है सिक्सटी सेंटीमीटर यानी कि सिक्सटी बाई हंड्रेड तो बच्चों इस सिचुएशन को जब सोल्व करोगे तो एक्सेलरेशन आएगी माइनस सिक्स सेवन फाइव जीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो एक्सेलरेशन जब आप निकाल लो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस एक्सेलरेशन आप सीधा सीधा क्या करो मास इंटू एक्सलरेशन ये फॉर्मूला पुट करो मास है जीरो पॉइंट जीरो फोर इंटू यानी कि फोर बाई हंड्रेड इंटू माइनस सिक्स सेवन फाइव जीरो तो यानि कि आपको जो आंसर मिलेगा आपको आंसर जो मिलेगा वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इट विल बी ट्वेंटी सिक्स टू सिक्सटी मैं भी चेक करके बता देता हूँ टू सेवेंटी न्यूटन सॉरी जो आंसर होगा वो क्या होगा टू सेवेंटी ठीक है तो आंसर क्या आएगा एफ इज इक्वल टू माइनस टू सेवेंटी न्यूटन इससे ये पता लग रहा है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है अलोंग Cap, और बुलेट की डायरेक्शन जो आ रही थी उसकी डायरेक्शन क्या थी अलोंग आई कैप तभी फोर्स नेगेटिव आया उसको रोक रहा है रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना पड़ा। तो दिस दिस इज इज द आंसर आंसर योर बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा है अच्छे लेवल का क्वेश्चन है तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करना तब जाकर कुछ मजा आएगा करने में सॉल्यूशन बाद में देखना ठीक है तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं एक बार ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन अ फ्लोर है टू के जी सीनेरियो को साथ साथ ड्रॉ करते हैं ठीक है थीके? ये वो ब्लॉक है जो टू के जी का है और फ्लोर फ्लोर uh, पर रेस्ट पर है इट इज गेट स्ट्रक्ड अनदर बॉडी हैविंग मास मास तो नहीं दे रखा हैविंग वॉटर रिलीजिंग एट द रेट वन के जी पर सेकेंड तो मान लो एक बॉडी इसकी तरफ आई जिसमें से वोटर बाहर की तरफ निकल रहा है और वोटर निकलने का रेट है वन के जी पर सेकेंड और उसकी वेलोसिटी जो सामने की तरफ वो दे रखी है फाइव मीटर पर सेकेंड है ना इट इज मूविंग विद कॉन्सेंट वेलोसिटी है इसकी ठीक है आपको बताना है कि ये ब्लॉक जब इसे टकराया होगा तो इस ब्लॉक में कितनी एक्सेलरेशन आई होगी ठीक है सिनेरियो देखो ये ब्लॉक जिसका आपको चेंज इन मास विद द टाइम दे रखा है ये ब्लॉक जब सामने की तरफ मूव हुआ तो आपको बताना है कि इसे टकराने पर इस टू केजी के जी के ब्लॉक में कितनी एक्सेलरेशन आई होगी तो देखो अगर मैं इस टू केजी के के ब्लॉक जो कि इनिशियली रेस्ट पर है इस पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर लू तो एम और एफ की मदद से क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल दूंगा एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स डिवाइड बाय मास तो मेन रोल क्या है कि मुझे इस पर लगने वाला फोर्स निकालना है तो फोर्स कैसे निकालूंगा देखो इस पर्टिकुलर टर्म में अगर मैं लगाऊं डी बाय डी इन टू एम वी यही फॉर्मूला है डी पी बाई डीटी इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं देखो डी पी बाई डी टी ये किसके इक्वल है फोर्स के इक्वल है तो आपको पता है कि यहाँ पर वेलोस्टी कॉन्स्टेंट है तो ये देखो वेलोस्टी कॉन्स्टेंट होने की वजह से मैं क्या लिख दूंगा वी इंटू में डी एम बाई डी टी क्योंकि इससे पहले जो आता है आपके पास एम डॉट डी वी बाई डी टी यानी कि ये वाला फैक्टर तो खत्म ही होगा क्योंकि चेंज इन वेलोस्टी विद द टाइम तो है ही नहीं है ना तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ फोर्स कैसे निकलेगा वी डॉट डी एम बाई डी टी से और देखो v की वैल्यू क्या है फाइव डी एम बाई डी टी चेंज इन मास विद द टाइम वन के जी पर सेकेंड तो फाइव इन में वन तो फोर्स कितना आ गया बच्चों यहाँ से फाइव न्यूटन आ गया तो यहां पर फोर्स की वैल्यू डालो फाइव न्यूटन अपोन में मास कितना दे रखा है इसका टू के जी तो ये आ जाएगा टू के जी आंसर क्या आएगा टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एक्सलरेशन एंड दिस इज वन एग्जाम्पल रिलेटेड टू वेरिएबल मास

जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो कहीं ना कहीं बहुत सारी बुक्स का कॉम्बिनेशन और कहीं ना कहीं वो आपको कंसेप्ट बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करेंगे तो नो no मैटर अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या बी सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सभी तरह की आपको हेल्प मिल सकती है इस चैनल से इसको नोट डाउन कर लो फिर अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम बच्चों अब आपको ना मैं कुछ और देखो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन और बताता हूँ और क्या मिल सकता है आपको आपको देखो ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि फाइंड चेंज इन मोमेंटम इफ अ टू के जी बोल रीबाउंड विद सेम वेलोसिटी फाइंड चेंज इन मोमेंटम इफ अ टू के जी बोल रिबाउंड विद सेम वेलोसिटी फ्टर स्ट्राइकिंग ऑन वॉल जैसे कि अगर मैं कि एक दीवार है बच्चों ठीक है सॉलिड सरफेस है यहां पर कोई बॉल आई इसे ऐसे टकराई और रीबाउंड हो गई ठीक है अब ना यहां पर एक चीज और मिसिंग है वो मैं डायग्राम में बना देता हूँ ठीक है मान लो यहां पर वेलोस्टी हुई है तो ये वाली वेलोस्टी भी क्या हुई मतलब जिस वेलोस्टी से टकराई इसी वेलोस्टी से रीबाउंड हो गई ठीक है ये टू के जी की बोल है तो यहाँ पर भी मास कितना है टू के जी आपको हो सकता है बच्चों ये वाला एंगल दे दें हम कि भाई ये वाला जो एंगल है मान लो वो सिक्सटी डिग्री है ठीक है और आपसे मैं पूछूँ कि बताओ मोमेंटम चेंज क्या होगा तो आप में से मोस्टली बच्चे पता क्या करेंगे कि भाई ये मास और ये वेलोसिटी देखो ये मास और ये वेलोसिटी यानी कि पहले मोमेंटम कितना था टू वी बाद में कितना हो गया टू वी तो फाइनल मोमेंटम भी टू हुई है इनिशियल मोमेंटम भी टू हुई है चलो जी इसका आंसर हो गया जीरो अगर आप इसका आंसर ज़ीरो लिख दोगे तो गलत होगा देखो ना मास इं टू आपको पढ़ाया मैंने मान लो वेलोसिटी भी दे लेते हैं हम चलो वेलोसिटी टेन मीटर पर सेकंड है ठीक है यहाँ पर भी कितनी होगी फिर टेन मीटर पर सेकंड तो आपके अकॉर्डिंग तो आंसर ये हो गया ना देखो इनिशियल मोमेंटम कितना है ट्वेंटी फाइनल मोमेंटम कितना है ट्वेंटी और जो डेल्टा भी होता है यानी कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है पी एफ माइनस पी आई फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल कितना है ट्वेंटी इनिशियल कितना है ट्वेंटी तो आप इसको जीरो लिखाओगे जबकि गलत होगा ये ठीक है इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने की जरूरत है ये नीट में एक दो बार आए हुए पहले देखो आपको सबसे पहले तो कॉम्पोनेंट ड्रॉ करने हैं ठीक है थीके? अगर देखो ये वेलोसिटी का वेक्टर ऐसे बना रखा है मैंने अच्छा एक चीज और यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है एक तरह से ना बाउंस बैक देखो ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये मैंने बीच में जब नॉर्मल ड्रो करा तो डेफिनेटली ये एंगल भी थर्टी डिग्री और ये एंगल भी क्या होगा थर्टी डिग्री होगा है ना और ये वाला एंगल भी क्या होगा सिक्सटी डिग्री तभी तो ये वन एटी डिग्री का आपका लाइन पर एंगल बन रहा है पूरा है ना जब भी देखो यार आपको ये बताया हो गया होगा ना कोई लाइट भी अगर बाउंस बैक होती है इस तरह से तो उसका एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है तो वही कंसेप्ट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ अब देखो क्या करना है आपने सबसे पहले इसका ये वाला कॉम्पोनेंट ऐसे यहाँ पर एक्सटेंड कर दो वी वैक्टर मैं बिना एंगल चेंज करे इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूँ तो मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया अब अगर ये थर्टी डिग्री है तो ये भी क्या होगा थर्टी डिग्री अब देखो कि ये वाला कॉम्पोनेंट क्या बन रहा है देखो ना ये वेलोसिटी को मैंने आगे एक्से एक्सटेंड करा ये कितनी है टेन मीटर पर सेकेंड ये एंगल थर्टी तो ये थर्टी तो देखो दीवार के अंदर की तरफ ये अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस कौन सा कॉम्पोनेंट बन रहा है देखो आप लीनियर मोमेंटम की बात करो तो लीनियर के लिए आपको लीनियर एक्सिस चाहिए एक लाइन पर बैलेंस करोगे ना मोमेंटम को अगर करोगे तो तो इसलिए देखो ये तो ये तो मोशन इन प्लेन हो गया एक तरह से अगर बोल को मैं ऐसे देखू मुझे क्या करना है एक लाइन पर बैलेंस करना है तो इसलिए इस वेक्टर को आगे किसका हो एंगल थर्टी डिग्री तो ये क्या होगा यहां पर v कोस थर्टी और जो नीचे की तरफ कॉम्पोनेंट बनेगा ये वाला ये क्या बन जाएगा v साइन थर्टी डिग्री ठीक है इस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के लिए तो अगर इसकी वेलोसिटी टेन मीटर पर सेकेंड है तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या देखो मोमेंटम इनिशियल क्या है एम वी कोस थर्टी डिग्री अलोंग आई कैप ठीक है एम वी कोस थर्टी डिग्री अलोंग आई कैप जब ये बॉल टकराकर ऐसे आई अब देखो ये क्या है वी वेक्टर और ये देखो ये ये कंपोनेंट क्या होगा ये अगर वी है तो ये क्या होगा वी कोस थर्टी डिग्री राइट और ये अब दोबारा नीचे की तरफ क्या होगा वी साइन थर्टी डिग्री राइट ये बॉल ऐसे टकराई तो मोमेंटम नीचे शिफ्ट हुआ जब ये ऐसे आई तो देखो एक मोवमेंटम ऐसे एक नीचे की तरफ देखो कॉम्पोनेंट्स बनाए और कुछ भी नहीं किया मैंने देखो ये रिजल्टेंट है रिजल्टेंट के साथ ये एंगल क्या बनाया थर्टी डिग्री तो ये क्या हो जाएगा वी कोज थर्टी तो जो फाइनल मोमेंटम हुआ बच्चों वो क्या हुआ एम वी कोज थर्टी डिग्री अलोंग माइनस आई कैप जिस बच्चे को ये बात समझ आ गई तो उसने कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर बहुत अच्छे से किया देखो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ जब ये बॉल टकराई होगी यहाँ पर देखो यहाँ पर टकराई तो यानी कि दो कॉम्पोनेंट विलोस्ट यहाँ निकाल दिया कि यहाँ निकाल दिया ठीक है ये वाला कॉम्पोनेंट क्या है जो अलोंग आई कैप है ये क्या है वी cos थर्टी जब टकरा कर ऐसे आ रही है तो अगेन दो कंपोनेंट ले लिए मैंने ये और ये अब देखो एक ही लाइन पर मैंने मोमेंटम ले देखो ये इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम अब करो जरा ये कितना हो जाएगा देखो माइनस एम वी कोस थर्टी माइनस इनिशियल माइनस एम वी कोस थर्टी तो इसका आंसर क्या माइनस टू एम वी कोस थर्टी डिग्री माइनस टू मास कितना दे रखा है आपको यहां पर टू वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको टेन इंटू में कोर्स थर्टी कितना होता है रूट थ्री बाय टू तो जब सोल्व करोगे बच्चों तो माइनस ट्वेंटी रूट थ्री के जी मीटर पर सेकेंड विल बी योर राइट आंसर दिस इज योर डेल्टा पी तो ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जनरली आपको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए आपको कॉम्पोनेट्स की जरूरत होती है जब भी कोई बोल ऐसे टकराए ठीक है अच्छा एक चीज और देखो एक चीज और इसको मैं फिलहाल अभी रब कर रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लो हाँ इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो क्योंकि ये मैंने नोट्स में अभी ऐड नहीं करा है जो मैं आपको देने वाला हूं क्योंकि ये एक अनप्लैंड क्वेश्चन था जो मैंने इस लेक्चर में डाल दिया बट नोट्स में नहीं लिखा तो इसलिए इसको लिख सकते हो आप नोट डाउन कर लो कोशिश करूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसको लेक्चर में ऐड कर दूंगा पर फिलहाल जो मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन नोट डाउन कर लिखे वो नोट डाउन करना है अब जैसे ये वाला क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लेना अगर मैं आपको बोलूँ कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हम ले ठीक है ये लोग वाई एक्सिस, ये लोग एक्स एक्सिस आपको मैंने जो मोटी मोटी बात समझाई थी वो ये समझाई थी कि देखो अगर यहां पर यहां पर जो वेलोस्टी वेक्टर आपको दे रखा है वो दे रखा अगर आई कैप प्लस जे कैप ठीक है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहां पर क्या होगा अगर आप ध्यान से देखो थोड़ा सा इसको ऐसे बनाओ जरा ये वी एक्स ये वी वाई ये वी जेड तो ये क्या होगा आई कैप एजिट इज माइनस जे कैप ठीक है तो यहां पर देखो अगर मैं चेंज इन एक्स निकाल लू वट इज चेंज इन मोमेंटम एक्स एक्सिस तो वो क्या रहा है जीरो आ रहा है यहां पर अगर लू इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो ये क्या होगा एम वी एक्स यहां पर लू तो यहां पर भी क्या एम वी एक्स

इनिशियल मोमेंटम क्या एम वी वाई अलोंग जे कैप तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो यहां पर भी क्या आएगा माइनस टू एम वी राइट दिस विल बी योर मोमेंटम चेंज तो यानी कि वर्टिकली तो मोमेंटम चेंज हो रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल मोशन में भी मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है ये बातें हैं जो आपको आनी चाहिए इसको नोट डाउन करो फिर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों ठीक है ये भी नोट डाउन कर लेना साथ साथ ही अब देखो मैंने लास्ट टाइम भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगला लेक्चर जो होगा उसमें मैं कंप्लीटली फ्री बॉडी डायग्राम पर ही बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ना एक थोड़ा सा एक हाईलाइट कर रहा हूं मैं कुछ चीजें जैसे कि इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज नॉन देन ए इज ऑल्सो नॉन जीरो एक्सेलेशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगी जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई एक ब्लॉक है यहाँ पर है इस तरह से ठीक है इस ब्लॉक को अगर आप यहां पर एक एफ वन फोर्स लगाओ और यहां पर एक एफ टू फोर्स लगाओ ठीक है और मैं आपको बोलूं कि एफ टू ग्रेटर देन एफ वन है तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगी इस मास एम में तो देखिए देखो क्या ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टली कहीं मूव करेगा क्योंकि फोर्स इक्वल नहीं है तो हॉरिजॉन्टली कहीं ना कहीं मूव करेगा तो कहां पर मूव करेगा देखिए एफ टू की डायरेक्शन क्या है अलोंग आई कैप एफ वन तो की डायरेक्शन क्या माइनस आई कैप ठीक है तो यानी कि आपको बताया गया कि एफ टू इज ग्रेटर देन एफ वन तो यानी कि यहां पर इस डायरेक्शन में ब्लॉक की मूवमेंट होना बिल्कुल सही बात होगी तो देखो नेट फोर्स क्या होगा इसके ऊपर एफ टू माइनस एफ वन सीधा सीधा लिख दू मैं क्यों क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों वेक्टर्स क्वांटिटीज के बीच में दो जब 180 डिग्री का एंगल बनता है तो आप क्या लिखते हो माइनस बी तो मैंने क्या लिख दिया एफ टू माइनस एफ वन अच्छा अब देखो क्या इस एफ टू माइनस एफ वन की वजह से जो इस मास के अंदर एक्सेलरेशन आएगी क्या वो भी अलोंग आई आए, कैप आएगी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको ठीक है ये बिल्कुल वैलिड बात है तो मैंने क्या लिखा दो फोर्सेज का डिफरेंस नॉन जीरो है जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर मास के अंदर एक्सलरेशन आई अब ये फोर्सेस किसी भी रूप में हो सकते हैं ये ये टेंशन के रूप में हो में हो हो सकते हैं स्लाइडिंग ब्लॉक कई तरह के एग्जांपल मैं आपको दूंगा ठीक है फिलहाल आपको ये चीज समझ आनी चाहिए अगर मुझे बोलते हैं कि भाई इसके कॉम्पोनेंट से ड्रॉ करो ओवरऑल कॉम्पोनेट से ड्रो करो तो वो भी देख लो जरा तो ऊपर की तरफ मैं क्या बनाता नॉर्मल रिएक्शन और नीचे की तरफ क्या बनाता है एम जी हाँ वर्टिकली यह बैलेंस हो रहा है क्योंकि देखो वर्टिकली ना ऊपर जा रहा है ब्लॉक ना नीचे जा रहा है तो इसलिए मैं लिख रहा हूं कि एन माइनस एम जी इक्वल्स टू मास इंटू जीरो एक्सलरेशन जिसकी वजह से एन इज इक्वल टू एम जी नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के वेट को बैलेंस कर रहा है ये तो बिल्कुल ठीक है लेकिन हॉरिजॉन्टली देखो बैलेंस नहीं हो रहा है हॉरिजॉन्टली बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ रही है क्लियर है तो अपने को इन चीजों से खेलना है क्लियर कैसे देखो एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराई देता हूं ठीक है इसको चाहो इसको भी नोट डाउन कर लो जो मैंने बात लिखी है इसको भी नोट डाउन कर लो वीडियो को पोस्ट करके अब थिंक अबाउट दिस सिचुएशन जो मैं आपको देने वाला हूं मान लो कि एक बटा हॉरिजॉन्टल आपके पास एक टेबल है ऐसे क्वेश्चंस मैंने अगले लेक्चर में भरपूर मात्रा में करवाने पता नहीं कितने मैं मैंने बना रखे आपके लिए बट फिर भी मैं एक छोटा सा आपको झलक दे रहा हूं इसकी अभी ठीक है तीन ब्लॉक्स रख दिए बच्चों हमने यहां पर ऐसे ठीक है और यहां पर कनेक्ट कर दी एक पुली और मैंने यहां पर एक धागा बांध रखा है ऐसे ठीक है और इस तरह से कोई पर्सन यहां पर खड़ा है, और वो नीचे की तरफ लगा रहा है हंड्रेड न्यूटन का फोर्स और ये एंगल बन रहा है यहां पर सिक्सटी डिग्री ठीक है ठीके? देखता हूं कि क्या एंगल में आ रहा है ये सब कुछ चलो आ रहा है ठीक है समझना सिचुएशन को ये पूरा फ्लोर फ्रिक्शनलेस है फ्रिक्शनलेस का मतलब कि किसी भी तरह का ब्लॉक को खिसकने में कोई दिक्कत नहीं आएगी हल्का सा फोर्स लगा तो सामने खिसक जाएंगे अब ये मान लो फाइव के जी है ये टू के जी है और ये टेन के जी है क्लियर अब देखो मुझे आपने बताना है कि अगर इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन सामने की तरफ ए इज इक्वल टू फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है तो इन ब्लॉक्स के बीच में लगने वाली टेंशन क्या होगी ठीक है इन ब्लॉक्स के बीच में लगने वाली टेंशन क्या होगी तो देखे क्या करना होता है हमको इस सिस्टम में देखो मुझे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले मुझे हॉर्जोन देखो एक्सेलरेशन क्या अलोंग एक्स एक्सिस है ना ये एक्सेलरेशन क्या अलोंग एक्स एक्सिस और मैंने आपको भी बताया था कि एफ एक्स रिस्पॉन्सिबल होगा एक्सेलरेशन को अलोंग एक्स एक्सिस लाने के लिए बट आपको जो फोर्स 100 न्यूटन दे रखा है वो अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है तो अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स कौन सा होगा ये वाला ये वाला फोर्स कैसे निकाले अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा बच्चों थर्टी डिग्री तो यानी कि बाई डिफॉल्ट ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा एफ कोस थर्टी डिग्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ वैक्टर जिसने अच्छे से पढ़ रखा है उसको ये बात उसी टाइम समझ आ जाएगी क्योंकि मैंने उस टाइम भी बताया था और ये वाला कॉम्पोनेट क्या हो जाएगा एफ साइन 30 डिग्री मेरे पास एक ऑप्शन और भी था जैसे अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इसको मैं ये लिख सकता था एफ कोस 60 डिग्री तब भी ठीक होता और इसको मैं क्या बना देता एफ साइन 60 डिग्री क्लियर है दोनों केस में आंसर सेम मिलता आपको तो दोनों में से कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो अगर इसको थर्टी डिग्री मानोगे तो ये कोस थर्टी इसको सिक्सटी डिग्री मान के चलोगे तो रिजल्टेंट के साथ एंगल तो ये हो जाएगा एफ कोस सिक्सटी क्लियर तो हम ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हम ये थर्टी डिग्री वाला कंसेप्ट लेकर चलते हैं तो एफ कोस थर्टी से क्या मिल जाएगा आपको देखो हंड्रेड रूट थ्री बाय टू है ना कोस थर्टी की वैल्यू यही होती है हंड्रेड और इंटू में कोस थर्टी की वैल्यू रूट थ्री बाय तो अब देखो मैं सारे फोर्सेस बना रहा हूं ध्यान से देखना कि क्या होने वाला है यहां पर ठीक है अगर मैं सभी ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाऊं सबसे पहले इस ब्लॉक का बनाते हैं देखो ये है फाइव के जी का ब्लॉक सामने की तरफ इस पर फोर्स क्या लग रहा है देखो एक डॉट बना रहा हूं इसको मैं देखो इसको क्या बना रहा हूं डॉट सामने की तरफ क्या लग रहा है टीवन पीछे की तरफ क्या लग रहा है कुछ भी नहीं लग रहा है जीरो कोई भी फोर्स नहीं है ना पीछे से कुछ इसको खींच नहीं रहा लेकिन इस ब्लॉक में सामने की तरफ एक्सलेशन कितनी आ रही है मीटर पर स्क्वायर तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं टी वन फोर्स सामने की तरफ माइनस एफ फोर्स पीछे की तरफ इक्वल्स टू मास इन टू एक्सलेशन क्योंकि पीछे की तरफ कोई फोर्स है नहीं तो इसलिए क्या मैं लिख दू टी वन इज इक्वल टू सीधा सीधा मास मास कितने फाइव फाइव इंटू एक्सेलेशन कितनी है एक्सलेशन भी फाइव है फाइव इंटू में फाइव तो बेटा जो T1 वन आया वो बाई डिफॉल्ट कितना आ गया ट्वेंटी फाइव न्यूटन आ गया यानी कि T1 कितना है ट्वेंटी फाइव न्यूटन है ना इस ब्लॉक को सामने की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है T1 लग रहा है क्लियर है अच्छा देखो इसके बाद जब मैं इस टू के के ब्लॉक पर आऊँगा तो टू के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखो जरा कैसे बनाऊंगा मैं डोट बनाया डोट का मतलब टू के इधर की तरफ क्या लग रहा है टी पीछे की तरफ क्या लग रहा है पीछे की तरफ पीछे की तरफ लग रहा है टी वन है ना इस ब्लॉक को देखो टी टू सामने टी वन पीछे अच्छा अब ओवरऑल एक्सल्रेशन क्या है सामने की तरफ ब्लॉक सामने की तरफ जा रहा है किससे जा रहा है फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर से तो क्या मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूँ टी टू इज ग्रेटर देन टी वन है ना तभी तो ब्लॉक सामने जा रहे है यह वाला फोर्स ज्यादा है इस ब्लॉक के ऊपर तभी तो ये ब्लॉक अलोंग एक्स एक्सिस देखो ये अलोंग आई कैप है ये अलोंग क्या है माइनस आई कैप तो लोग कैप ज्यादा टेंशन एक्ट कर रही है तभी तो ये सामने की तरफ घिसक रहे तो इस इसकी इक्वेशन क्या बनेगी देखो टी टू माइनस टी वन इक्वल्स टू एम में टी टू कितना है सामने की तरफ नहीं पता निकालना है टी वन कितना निकाला आपने पच्चीस मास कितना है ये टू एक्सेलरेशन कितनी है फाइव तो इस तरह से आया बच्चों टी टू इक्वल्स टू टेन प्लस ट्वेंटी फाइव तो टी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी न्यूटन आई होप कि आपको यह बात समझ आ गई होगी तो इस तरह से क्वेश्चन को किया जा सकता था हालांकि अगर मैं आपको एक्सलेशन ना भी देता तब भी ये क्वेश्चन सोल्व हो सकती थी तो यह जस्ट एक ओवरव्यू दिया है मैंने कि मैं किस तरह के क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में कराने वाला हूं ठीक है बच्चों तो कनेक्टेड मोशन अगले लेक्चर में आपको बहुत ज्यादा बल्क में मिलेगा अभी के लिए बस आप इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया कि मैं हाँ किस तरह से एक्सेलरेशन का कंसेप्ट यूज कर सकता हूं ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लेक्चर में बस बेसिक बातें थी न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड और एक एक आइडिया दिया कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स क्वेश्चन में देने लगा हूँ अब और इट इज हम्बल रिक्वेस्ट कि कमेंट बॉक्स क्वेश्चन को आप ट्राई करो जब तक आप उसको ट्राई नहीं करोगे सिर्फ मेरे भरोसे रहोगे तो उससे आप कभी कुछ नहीं सीख पाओगे ठीक है ऐसा चैलेंज लो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन और देखता हूँ कि इस कमेंट बॉक्स क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर कौन करेगा तो आपके सामने भी आ रहा तो so है स्टेटमेंट अगेन बिल्कुल ठीक है आर एक्टिंग ऑन बॉडी ऑफ मास वन थाउजेंड के जी एंड दे आर एक्टिंग एट पर्टिकुलर एंगल दैट इज सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री के एंगल पर दो फोर्स एक बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं आपको यह बताना है कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन कितनी आएगी कितना डिस्टेंस कवर होगा दस सेकेंड तक या दस सेकेंड के बाद ठीक है मास कॉन्स्टेंट है इस केस में तो सिनेरियो ये बच्चों देख लो मैं मना देता हूँ यहां पर एक फोर्स ऐसे एक्ट करा एक ऐसे एक्ट करा दोनों में क्या 60 डिग्री का एंगल आपको यह बताना है कि इस ब्लॉक में नेट एक्सेलरेशन क्या आएगी और कितना डिस्टेंस कवर होगा टोटल टाइम है 10 सेकेंड ठीक है तो इसको आपने ट्राई करना है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला एक बिगिनर लेवल पे मैं बात करूँ अगर कर आपने अभी अभी न्यूटन सेग अच्छे से पढ़ा है तो इस लेक्चर के नोट्स आपको मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ऐप पर भी मिल जाएंगे क्वांटम अकेडमी की आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और जो लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन दिए अभी कनेक्टेड मोशन के अगर वो आपसे हो जाए तो बहुत तो अच्छी बात है वरना अगला लेक्चर प्योरली कनेक्टेड मोशन पर बेस्ड होगा तो इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू कि आपने पेशेंस रखा अच्छे से इस लेक्चर को टाइम दिया अपना शायद आप रात को इस लेक्चर को देख रहे होंगे तीन बजे या मे बी सुबह या मे भी शाम को मे बी गर्मी में मे बी सर्दी में जब भी आप देख रहे हो अब जो इम्पोर्टेंट बात रहती है वो ये कि मकैनिक्स में ये तो था एक सी लेक्चर अब हमने कॉम्पिटिटिव भी शुरू करना है तो मैं हो सकता है कि इस बार एक लेक्चर सी और एक लेक्चर कॉम्पिटिटिव आपको दूँ तो अगर आपने कॉम्पटिव की भी तैयारी करनी है तो वो मैं आपको इसी प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा और उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए चैनल पर जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए बेटर, बेटर एंड बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में कमेंट बॉक्स क्वेश्चन के आंसर के साथ